हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल का एक लास्ट शिफ्ट का बचा हुआ इंग्लिश पेपर को सॉल्व, जो कि पूछा गया था 21 अप्रैल 2022 को। आज हमारा शिफ्ट नंबर थर्ड होने वाला है। इसके बाद हमारा ये हमारा 2021 सीजीएल प्रीलिम्स का इंग्लिश खत्म हो जाएगा। आज हमारा पेपर नंबर 21 होने वाला है। इसका मतलब इसके पहले के जितने भी शिफ्ट्स बचे पड़े हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के भी पेपर को हमने सॉल्व करवाया हुआ है। आज के पेपर के लिए आप अपना नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठिए, ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर सकें और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप मुझे बता सकें कि आपने कितना सही अटेम्प्ट किया था। और सारे क्वेश्चंस को करिएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में भी ट्राई करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा ग्रामेटिकल एरर। सो इसमें एरर ढूंढते हैं। माई गाइड वॉज ब्लाइंड बट ही ब्रिंग मी होम सेफली। माई गाइड सब्जेक्ट सही है, वॉज ब्लाइंड, वॉज ब्लाइंड मतलब अंधा था, इसमें भी कोई एरर नहीं निकाल सकते हैं। बट ही यानी ये वर्ब की, ये पास्ट है ना, सो बट ही ब्रिंग ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मी होम सेफली। सो अगर सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ पे भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म होना चाहिए, ना कि फर्स्ट फॉर्म। सो ब्रिंग को हम कर देंगे ब्रॉट। अब हमारा आंसर बिल्कुल सही हो गया है। सो ऑप्शन नंबर ब्रिंग कहाँ पे लिखा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आपने पॉज करके खुद से अटेम्प्ट किया हो और आंसर कमेंट बॉक्स में किया हो। अगला करते हैं। अगला भी है हमारा कॉमन एरर। ही कंसीडेड ए वेरी क्रूशियल पॉइंट एज हिज ओपोनेंट। कंसीड का मतलब लाइक एग्री हो जाना। सो ही कंसीडेड, ये पास्ट है, ए वेरी क्रूशियल पॉइंट एट हिज ओपोनेंट। सो देखिए, कंसीड के बाद ना प्रीपोजिशन एट नहीं आना चाहिए, यहाँ पर टू आना चाहिए। कंसीडेड टू हिज ओपोनेंट, अपने ओपोनेंट से भी एक तरीके से मान गया वो। सो यहाँ पर आपका आंसर जो है ये एट ना होकर के टू में होगा। फिक्स प्रीपोजिशन को भी एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, वहां से भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, आगे है हमारा ईडियम। ईडियम सभी को आना ही चाहिए, आंसर करिए कमेंट करके। इन दी लाइम लाइट बहुत कॉमन है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, स्पेशली जो ग्लैमरस वर्ल्ड होता है, बॉलीवुड या कोई डेली सोप के शोज, वहां आपने सुना होगा। इन द लाइम लाइट का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वेल लिट अप रूम, वेल कैप्ट सीक्रेट, या अबाउट टू बी सक्सेसफुल। तो ये दो तो आप कट कर देंगे। लिट अप का मतलब होता है जैसे जलाना, रोशनी करना। सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या अबाउट टू बी सक्सेसफुल, सो इसमें एक में कन्फ्यूजन होगा आपको, तो याद रख लीजिए। आपने सुना होगा ना कि जो एक्स वाई जेड एक्टर है वो हमेशा लाइम लाइट में रहने की कोशिश करता है। लाइम लाइट में रहने के लिए एक्ट्रेस या एक्टर्स जो होते हैं वो फेक रूमर्स स्प्रेड कर देते हैं लोगों के बीच। तो उसका मतलब वो अट्रैक्शन का एक पार्ट बन, सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बन के रहना चाहते हैं, याद रखिएगा इसको। आगे है सिनोनियम और वर्ड है रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? रिटेलिएट का मतलब होता है जैसे आपसे किसी ने कुछ कहा, बदतमीजी करी या आंखें दिखाई, तो आप उसको पलटकर जवाब दे देते हैं, उसको कहते हैं रिटेलिएट करना। सो रिटेलिएट का हमको सिनोनियम ढूंढना था, क्लिप, रोटेट, फैसिलिटेट या रिएक्ट। फैसिलिटेट का मतलब तो होता है किसी को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करना, सुविधा पहुंचाना। सो एक ही हमारे पास आंसर बचता है, जो कि है ऑप्शन नंबर फोर। सो ये इसका राइट आंसर है। हाँ देखिए, 2 दिन क्लास आई नहीं थी, मुझे थोड़ा फीवर हो गया था इस वजह से। सो इसी वजह से संडे और मंडे का छूट गया था। बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में कि ये लास्ट वाला क्यों नहीं आया है, तो यही रीजन था। आगे देखिए, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले आप इसको देखिए क्या है। ये वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट सिंपल। सो हमको पास्ट सिंपल ढूंढना है। इज कट गया, हैज कट गया, टॉट है, टॉट है। आई वॉज टॉट बाय श्याम, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो श्याम वाला जो हमारा है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग गलत है,
ये आपको कमेंट करके बताना है। टंग TONGUE, परफॉर्मेंस PER, FORMANCE, टंग भी सही था, हार्ट प्लस बीट ये भी सही है। सो सेक्रेटरीट की स्पेलिंग देखिए SECRET होता है, यहाँ पे ई आना चाहिए सेक्रेटेरिएट। सो इसके बाद आपका बाकी पीछे का सही है TARIAT, यहाँ पर ई है आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, अगला है एंटोनियम। एस्टाउंड का अपोजिट वर्ड बताना है। तो एक बार मान लीजिए कि आपको इसका आंसर नहीं पता, आपको नहीं पता कि एस्टाउंड का मीनिंग क्या होता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, खुद से ही एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेंगे। स्टन, कन्फ्यूज, शॉक, क्लैरिफाई। तो आप देखेंगे ये, वैसे स्टन यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, इसका मीनिंग भी पता होना चाहिए वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। स्टन और जो एस्टाउंड है ये दोनों आपस में सिनोनियम हैं। स्टन का मतलब होता है एस्टाउंड हो जाना, यानी कन्फ्यूज हो जाना, भौचक्का रह जाना, सरप्राइज रह जाना, अचंभित रह जाना। सो यानी कि आप ऊपर के चारों वोकैब जो देख रहे हैं सारे आपस में सिनोनियम हैं। पूछा तो एंटोनियम है, तो सबसे अलग वाला राइट आंसर होगा यानी क्लैरिफाई करना। एस्टाउंड या स्टन का मतलब हो गया ना कि मतलब कन्फ्यूज हो जाना, सो क्लैरिफाई इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे है सिनोनियम ऑडेसिटी का। पॉज करके आंसर करिए, क्योंकि ऑडेसिटी जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑडेशियस पढ़ा होगा। आप चाहें तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आंसर। जैसे काइंडनेस मतलब दयालुता, मीकनेस मतलब भी थोड़ा हम्बल टाइप का ही होता है, कॉशियस मतलब सावधान। सो ये तीनों कहीं ना कहीं मुझे आंसर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि काइंडनेस और मीकनेस तो सिमिलर हो गया, और जो कॉशियस होगा वो ही मतलब थोड़ा हम्बल होता है, कॉशियस होता है, डेयरिंग थोड़ा अपोजिट होता है। सो हमको तो सिनोनियम ढूंढना है। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्डनेस, डेयरिंगनेस। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए, ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पॉज करिए आंसर करिए। आई फाइंड दैट आई गेट myself tired वेरी इजीली दीज डेज। दीज है तो डेज ठीक है, यहाँ पे डीज के साथ काम प्लूरल। सो दीज डेज यानी आजकल के समय की बात चल रहा है। आई फाइंड यानी ये प्रेजेंट की बात चल रहा है, यानी कोई एक पर्टिकुलर एक चीज एक बार के बारे में नहीं बता रहा, ये पर्टिकुलर होता रहता है आजकल इसके साथ, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका पाता है। सो वेरी इजीली ठीक है ये भी। सो देखिए, आई गेट माई सेल्फ नहीं होगा, आई गेट टायर्ड, बस सिंपल आप बोलते हैं ना, आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया था, आई गेट टायर्ड, मैं थक जाता हूँ। सो यहाँ पर आपको माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा पॉज करके। आगे चलिए, अंडरलाइन सेगमेंट आपको इम्प्रूव करना है। क्या लिखा है, As it was getting late, क्योंकि देरी हो रही थी, लता डैश द पार्टी midway, बीच में ही लता ने पार्टी छोड़ दिया। सो हमको साफ साफ दिख रहा है कि सेंटेंस पास्ट में है, जबकि लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो लीव तो यहाँ नहीं हो सकता। सो ये भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट है, लीविंग भी नहीं होगा क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये आपका गलत है। सो लेफ्ट द पार्टी राइट आंसर है। लेफ्ट क्या है, ये आपका जो लीव की सेकंड फॉर्म होती है यानी पास्ट को शो करता है। सो लीव लेफ्ट द पार्टी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, पैसिव वॉइस। क्या लिखा हुआ है, नोबडी फेड हिम व्हेन ही वाज स्टार्विंग। फेड हिम, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फीड का पास्ट होता है फेड, मतलब किसी को भोजन कराना, किसी को खाना देना। सो नोबडी फेड हिम, किसी ने उसको खाना नहीं खिलाया था जब वह भूखा था। सो किसमें है ये, पास्ट में है। सो पास्ट में हैड तो नहीं आता, वो नरेशन में चेंज हो जाता है पास्ट का, पास्ट परफेक्ट में, पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। वर हो सकता है, इज नहीं हो सकता, वॉज हो सकता है, लेकिन ही के साथ वर तो नहीं आएगा ना। नोबडी फेड हिम, फेड ऑब्जेक्ट है,
हिम तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ही सिंगुलर है, उसके साथ वर नहीं आ सकता, मतलब क्या आना चाहिए? वॉज, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, आगे है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, मनोज सैड टू मीरा डू नॉट ट्राई, ये आप खुद से करिए, क्योंकि हमने कई बार इसको डिस्कस किया है ना, सैड टू किस में कन्वर्ट होता है, ये नेगेटिव वाला है, इसमें डायरेक्टली आपको बोला जा रहा है किसी काम को नहीं करने के लिए, तो कैसे करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता भी है। सो आप ऐसे लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सही आंसर करते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं vie_english पे, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा vie_english, आपको मिल जाएगा मेरा चैट बॉक्स, आप वहां पर ये क्वेश्चन मुझे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप मुझे आंसर सेंड कर सकते हैं। तो अदरवाइज आंसर करिए जिन जिनको आता है। अगला देखिए, अगला है आपका इम्प्रूव द अंडरलाइन। आई, चलिए पॉज करके इसको आंसर करिए, आई डोंट फैंसी टू गो आउट दिस इवनिंग। फैंसी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पसंद करना, लाइकिंग या वांटिंग, वांटिंग का मतलब भी होता है चाहत होना, वांटिंग इन। सो आई डू नॉट फैंसी गोइंग आउट दिस इवनिंग होना चाहिए, टू गो नहीं होना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है बाहर जाना, आई डोंट फैंसी आउट गोइंग आउट दिस इवनिंग, तो मतलब वो मतलब बाहर जाने के लिए बता रहा है, तो उसके लिए मुझे एक जीरंड चाहिए जिसको हम नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो गोइंग या आएगा। हमने लास्ट लेक्चर में भी वॉकिंग जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि वहाँ पे भी वॉकिंग दिया हुआ था, उसको कट करके वॉक आएगा। सो वॉकिंग का मतलब होता है चलना, गोइंग का मतलब होता है बाहर जाना, सो बाहर जाना उसको पसंद नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी याद रखिए कि फैंसी के साथ जीरंड आता है, तो यहां पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोइंग आउट। आगे देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है इनमें से, जिंजर, गिडल, गिगल, जायंट। तो जायंट का क्या होगा, GAINT, जायंट नहीं, GIANT सही है, जायंट मतलब मैमथ, बड़ा, जगरनॉट। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं गिगल। गिगल का मतलब होता है खीखी करना, हंसना, मुस्कुराना, सही है। कई लोग गिगल की स्पेलिंग सोच लेते हैं कि ये होगा GIGGAL, और ये एग्जाम में भी दे रखा है AL नहीं होता, LE होता है। अगला है गिडल। गिडल ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, GIRDLE। इसको ना आप ऐसे समझिए जैसे कमरबंद, हालांकि बिल्कुल कमरबंद नहीं, हाँ कमरबंद जैसा ही है, कमर में एक बेल्ट टाइप का आता है, वो बांधते हैं स्पेशली लड़कियों के लिए। आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में बहुत सारा देखा होगा कि वो बेल्ट बांध के रखते हैं और नीचे से उसको टाई अप कर लेते हैं, तो इसे बोलते हैं। अगला है जिंजर, इसकी स्पेलिंग गलत है। जिंजर मतलब, कॉमेंट करके मुझे बताइए जिंजर का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग है ER। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आपको किचन के बारे में पता है इंग्लिश में या नहीं, जिंजर को क्या कहते हैं, जरा कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, आगे है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, याद होना चाहिए आप लोगों को, बहुत आसान होते हैं। फोर फुटेड एनिमल, चार पैरों वाला जानवर क्या कहलाता है? अब इसका आंसर वैसे आप लोगों ने दे ही दिया होगा, बट मैं बता देता हूं कि बाई का मतलब होता है दो, सो बाईपैड मतलब होता है दो पैरों वाला। मैमल बोलते हैं स्तनपाई को, जो अपने बच्चों को जन्म देता है, उनको दूध पिलाता है। रैप्टाइल, रैप्टाइल एक प्रजाति होती है ना, सरीसर्प वगैरह रैप्टाइल है ना, उनकी उनकी प्रजाति को रैप्टाइल बोला जाता है। क्वाड्रूपैड, क्वाड मतलब होता है फोर, सो क्वाड्रूपैड का मतलब चार पैरों वाला, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारा सिनोनियम, बहुत बहुत अच्छा वर्ड है ये, सेगेसियस। मैं इसकी एक निमोनिक बताता हूँ, आपको याद हो जाएगा आंसर। सबसे पहले तो आपको ना ऑप्शन का आंसर करना है, अगर आपको सेगेसियस का मीनिंग पता है या नहीं पता है, कोशिश करिए ढूंढने की, देखिए क्या आंसर होता है। मैं आपको आंसर मीनिंग बताता हूँ, सेगेसियस बोलते हैं साग खाने वाला व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, इसको याद रखिए।
सैगेसियस, साग खाने वाला, मम्मी बोलती है ना साग खाओगे दिमाग बढ़ेगा, सैगेसियस मतलब साग खाने वाले का दिमाग तेज होता है, यानी जुडिशियस। जुडिशियस मतलब होता है जो सोच समझ के फैसले कर सके एकदम अच्छे से दिमाग के साथ। एक और होता है वर्ड SAGE, सेक का मतलब क्या होता है? देखिए सेक का बेसिकली मतलब होता है जैसे 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 बुद्ध संत वगैरह होते हैं ना, ऋषि मुनि, जिनके पास थोड़ा दिमाग होता है, जिनको बुद्धि होती है बहुत अच्छा, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, साधु संत। और एक होता है सागा। सागा बोलते हैं जैसे जैसे महाभारत बुक हो गया, रामायण हो गया, काव्य गाथा, बड़ी बड़ी गाथाएं, उनको बोलते हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे है आपका PQRS। अच्छा, इस PQRS में आपको पहला और लास्ट का फिक्स दे रखा है सेंटेंस। अभी तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं, आज हमारा 21वां है, यानी अभी तक जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी में एक, उसमें अभी तक SSC में ये नहीं पूछा जाता था, आपको सिर्फ PQRS दे दिया जाता था, ये बैंकिंग वगैरह में पूछा जाता है। लेकिन देखिए एक पूछ लिया है तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ते हैं। राम मोहन वॉज ए लवर ऑफ हिज कंट्री। ए लवर था यानी राम मोहन एक ही व्यक्ति का नाम था। राम मोहन वॉज ए लवर ऑफ हिज कंट्री। अब इसके बाद क्या आ सकता है? RRSQ। देखिए इसमें अब थोड़ा पढ़ना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि पहले क्या होता था, हम चेक कर लेते थे कि पहले नंबर पे कौन सा आएगा, फिर ऑप्शन एलिमिनेट कर देते थे। तो अब यहां तो ऐसा हो नहीं सकता। पढ़ते हैं, राम मोहन वॉज ए लवर ऑफ हिज कंट्री। RRSQ दोनों को पढ़ लेते हैं। ही वॉज टॉकिंग विद डेविड अबाउट अपलिफ्टिंग दी माइंड ऑफ इंडियंस, सो ही ऑल्सो थॉट। सो आर तो कट जाना चाहिए, आर तो आंसर नहीं होना चाहिए यहां पे। क्यों नहीं होना चाहिए आंसर? देखिए ध्यान से, यहां पे लिखा है ही ऑल्सो थॉट, उसने और यह भी सोचा, यानी उसने ऐसा सोचने से पहले भी तो कुछ किया होगा। डायरेक्टली ऑल्सो थॉट तो नहीं आ सकता, सो मैंने आर को कैंसिल कर दिया। देखिए अब जरूरी नहीं है कि आर में आंसर नहीं हो, लेकिन हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं है, तो मैंने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, हमें पूरा ढूंढना पड़ेगा, राइट? डायरेक्टली कंक्लूजन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि गलती छोटी सी आपका नेगेटिव आपको 2.5 नंबर दे सकती है एग्जाम में, नेगेटिव मतलब काट सकती है। तो आगे देखते हैं, डेविड ऑल्सो हैड अ स्ट्रांग बॉन्ड विद इंडिया। सो यहाँ पे देखिए डेविड को भी बहुत ज़्यादा बॉन्ड था इंडिया के साथ। सो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके बाद आना चाहिए। एस से अब हमारे पास दो ही तो बचा है ना, एक एस और क्यू, इसको पढ़ लेते हैं। डेविड को भी बॉन्ड था। आर, सो ही ऑल्सो थॉट दिस सब्जेक्ट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। कैसे समझ में आया मुझे? मुझे ऐसे समझ में आया कि मैंने सोचा कि अगर मैं इसको मान भी लूँ सही आंसर है कि डेविड का भी इंडिया के साथ बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड था, सो इसीलिए उसने सोचा कि यह सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, एस के बाद आर है ना, तो इसीलिए मैं समझ गया आर नहीं हो सकता है एस के बाद, क्योंकि इसने और ये भी उसने भी ये सोचा कि यह सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। लेकिन यह सब्जेक्ट मतलब कौन सा सब्जेक्ट, हमें तो पता ही नहीं किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो इसीलिए मैंने अंदाजा लगाया कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 4 बचा। अब पढ़ लीजिए इसको एक बार। राम मोहन अपने देश का प्रेमी था। क्यू, ही वॉज टॉकिंग विद डेविड अबाउट अपलिफ्टिंग द माइंड ऑफ इंडियंस। सो वह डेविड के साथ बात कर रहा था कि लोगों के, इन भारतीयों के दिमाग को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, यानी विकास की ओर लेके जाया जाए, या जो एक तरीके से उन्हें सही चीज़ें बताई जाएं, साइंस वाइंस इस तरीके से। उसके बाद देखिए क्यू के बाद एस है, तो डेविड भी बहुत इंटरेस्टेड था इंडिया में, मतलब उसका भी स्ट्रांग बॉन्ड था। फिर आर है, इसीलिए उसने सोचा कि यह बहुत अच्छा, उसने भी यह सोचा कि बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बन रहा है ना हमारा। सबसे लास्ट में पी, डेविड सैड दैट इट वुड बी ए ग्रेट प्लान टू हैव एन इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज, कि हम अगर इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज खोल दें। इंडियंस एंड यूरोपियंस मैट नेक्स्ट ईयर टू पुट दिस आइडिया इनटू शेप। तो देखिए बन गया ना हमारा आंसर। समझाने में टाइम लगा है मुझे बोल बोल के, वरना अगर करना होगा आपको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फटाफट हो जाएगा। मैं पूरी एनर्जी मेरी ड्रेन हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, इसको फटाफट करते हैं। कैट्स पॉ, कैट्स पॉ का मतलब क्या होता है? बिल्ली का पंजा।
आप ये मत समझिएगा बिल्ली का पंजा, ये पहले भी बहुत बार यूज मतलब एग्जाम में आ चुका है, और वैसे इसको मैं पैसेज वगैरह में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कठपुतली, किसी का पपेट होना, लाइक आप बोल सकते हैं पाकिस्तान इज कम्प्लीटली चाइनाज कैट पाओ। तो कहाँ पे मिलेगा आपको? ए पर्सन यूज्ड एज ए टूल बाय अनदर, ऑप्शन नंबर वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एंटोनियम, और आपको बताना है कि इंडस्ट्रियस का एंटोनियम क्या होगा। हालांकि इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको क्या ढूंढना है, आपको तो एंटोनियम ढूंढना है ना। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो टिका रहे, जीलस का मतलब फुल ऑफ एक्साइटेड, उमंग से भरा हुआ, डिलीजेंट मतलब भी जो टिका रहे, मेहनत करे। सबसे अलग मुझे यही लग रहा है इंडोलेंट, क्योंकि इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी, आलसी। सो मुझे लग रहा है कि यही आंसर बचा, और तो कोई आंसर बचा नहीं। और वैसे भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती व्यक्ति। क्या मतलब होता है? मेहनती व्यक्ति, याद रखिएगा इसका। सो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला है कॉमन एरर, द टीम वॉन वेरी इजीली एट द रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट। अब क्या आंसर होगा इसका? द टीम वॉन, पास्ट की बात चल रही है, इसमें कोई गलती नहीं है। वेरी इजीली में कोई गलती नहीं है। एट द रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट, आप बोल सकते हैं कि एट नहीं आएगा, इन आना चाहिए, लेकिन एट भी आ सकता है, वो पर्टिकुलर उस इवेंट को बता रहा है, सो एट भी आ सकता है। इसका आंसर जाना चाहिए नो एरर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हम सबका इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट टॉपिक आ चुका है। चलिए करते हैं इसको, आप पॉज करके पढ़िए, फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको आपके साथ साथ। करिए इसको पहले पॉज करके सॉल्व। उम्मीद है आप लोगों ने इसे पढ़ लिया होगा, अब मैं पढ़ता हूँ और साथ के साथ सॉल्व करता हूँ। अच्छा, एक और मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, तो लीजिए आप 3, 4, 5 आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं साथ के साथ पढ़ता जाऊँगा। बीरबल ने स्माइल किया था और गया अकबर के पास। उसने अनाउंस किया था कि डैश ही सैड देयर वर 21,523 crores। अच्छा, डैश द सिटी, तो इन द सिटी, यहाँ तो मिल गया हमको आंसर। एट द सिटी, ऑफ द सिटी, ऑन द सिटी, नहीं इन द सिटी, बात कर रहा है ना कि सिटी के एम्बियंस के अंदर, क्रोज की बात, कौओं की बात कर रहा है। वैन आस्क्ड हाउ ही डैश द आंसर, बीरबल ने रिप्लाई किया कि अपने आदमी से पूछो, टू के बाद वी वन आना चाहिए, द नंबर ऑफ क्रोज इफ देयर आर मोर, अगर यहाँ पे ज़्यादा कौवे हैं, इसका मतलब हुआ कि जो कौवे के रिश्तेदार हैं वो विजिट किए होंगे सिटी में, सिटीज से। सो यहाँ पे अनदर कुछ आना चाहिए, इफ देयर आर फ्यूअर, अगर कम होते हैं, सो इसका मतलब है कि कौवा फ्रॉम आवर सिटी जरूर गए होंगे अपने रिश्तेदारों के पास जो दूसरे सिटी में रहते हैं। तो बस बेसिकली मैं इसका मतलब समझ गया कि अकबर ने बोला होगा कि चलो देखते हैं कौन कौवे गिन के बताता है कि कितने कौवे हैं हमारे शहर में। तो अकबर बीरबल ने बोल दिया होगा इतने कौवे हैं, आप गिनवा लो, आपको यकीन नहीं है तो। कम होंगे तो मतलब हमारे वाले बाहर गए हैं रिश्तेदारों से मिलने, ज़्यादा होंगे तो मतलब बाहर से आए होंगे रिश्तेदारों से मिलने। तो बेसिकली यहाँ पे यही बात बताई गई है। तो जब पैसे समझ गए तो अब सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारा इसका तो आंसर मिल गया था ना इन। अब देखिए, बीरबल इमीडिएटली स्माइल्ड एंड वेंट टू अप टू द अकबर, ही अनाउंस द आंसर, उसने आंसर ही अनाउंस किया होगा बीरबल ने। क्वेश्चन तो होगा नहीं, रिस्पॉन्स होगा नहीं, रिजॉइंडर का मतलब होता है सवाल जवाब करना, तो यहाँ पर एक सिंपल आंसर को रिप्लाई किया होगा उसने। आगे देखते हैं, आप चाहें तो इसको भी पॉज करके खुद से ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हेन आस्क्ड हाउ ही डैश, सेकंड फॉर्म चाहिए तो न्यू आंसर होगा, क्योंकि नोइंग होगा नहीं, नून वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जो सेंटेंस चल रहा है वो पास्ट में। आगे देखिए, आस्क्ड योर मैन टू डैश, टू कंसिडर, टू जज, टू कैलकुलेट, टू काउंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गिनने की बात चल रही है।
विजिटिंग दैम फ्रॉम डैश सिटी, सिटी से पहले क्या आएगा जो सिटी के बारे में बताए? क्लोज सिटी नहीं होगा, विसिनिटी मतलब होता है पास वाला, विसिनिटी के बाद प्रीपोजिशन टू भी आता है, नियर नहीं, नियर का मतलब होता है समीप, नियर में क्या होता है ना, नियर में आपका एक तरीके से नाउन भी आ गया, सिटीज भी इसके अंदर फिक्स होता है, लेकिन अगर आपको सिटीज अलग से लिखना है तो नियर बाय यानी पास वाला, नियर मतलब पास में, नियर बाय मतलब पास वाला प्लस नाउन, सो यहाँ पे नियर बाई आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका आंसर है। तो कितने आसानी से हमने कर लिया, सो बस आप सभी को थैंक यू। ये SSC की सीरीज खत्म हो चुकी है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को, अपना अपना प्यार भेजते रहिए कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आप मुझे मोटिवेट मिले। देखिए मुझे फीवर है फिर भी मैंने सोचा कि आज करते हैं क्लास, तो अगर अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब आएगा तो मैं आपको और भी क्लासेस इसी तरीके से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और हमारा मैथ्स बाय आशीष सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सो बताइएगा लेक्चर कैसा लगा, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले नए सेलेक्शन फेज 9 के क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।